नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईटी फर्स्ट एड चैनल पर। मेरा नाम है विवेक नागर। यहाँ हम करेंगे टेक्निकल दुनिया के रंगीन सफर की शुरुआत, जैसे कि मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज, प्रिंटर्स और बहुत कुछ। इन सब पर हम बताएंगे आपको सब कुछ एक अलग तरीके से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आईटी फर्स्ट एड के साथ आपके टेक्निकल सवालों का इलाज शुरू हो चुका है। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपका नया साथी होगा। आइए चलिए साथ चलते हैं और टेक की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं बिल्कुल हिंदी में। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल डायमेंशन सर्वर। अगर आप वॉच गार्ड का फायरवॉल यूज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली, पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन सर्वर होता क्या है। तो जो वॉच गार्ड डायमेंशन सर्वर होता है, वॉच गार्ड एक फायरवॉल होता है। वॉच गार्ड डायमेंशन सर्वर वॉच गार्ड फायरवॉल डिवाइसेस की नेटवर्क सिक्योरिटी और ट्रैफिक को देखने और एनालाइज करने के लिए एक टूल है, जो नेटवर्क एक्टिविटी, थ्रेट्स और यूजर बिहेवियर को ट्रैक करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करती हैं। तो बेसिकली ये होता है डायमेंशन ओवरव्यू। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप डायमेंशन को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर पर जाना है, वहां पे आप लिखेंगे वॉच गार्ड डायमेंशंस। मैंने यहाँ पे लिखा वॉच गार्ड डायमेंशंस क्योंकि मेरा जो फायरवॉल है वो वॉच गार्ड का है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड विद वॉच गार्ड डायमेंशंस। तो अभी हमें करना है इंस्टॉल डायमेंशंस, तो आप यहाँ इंस्टॉल डायमेंशंस पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए, आपको ये दो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल डायमेंशन ऑन वीएमवेयर, और एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल डायमेंशन ऑन हाइपर वी। यानी कि आप वॉच गार्ड के डायमेंशन सर्वर को वीएमवेयर पे भी चला सकते हैं और हाइपर वी पे भी चला सकते हैं। तो बेसिकली वीएमवेयर और हाइपर वी क्या है, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। VMware और हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जो एक कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाने में मदद करता है, यानी दोनों सेम ही हैं। तो हम करने वाले हैं डायमेंशन सर्वर को इंस्टॉल VMware में। तो इंस्टॉल डायमेंशन ऑन VMware पर मैं क्लिक करूंगा, तो वहां पर ये मेरे को दिखाएगा कि आपको शुरुआत करने से पहले किन किन चीज़ों की आपको जरूरत होगी। तो देखिए, इंस्टॉल द डायमेंशन वर्चुअल मशीन, यानी कि हमको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें जाना होगा, OVA फाइल डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि जो VMware है वो OVA फाइल ही सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ वॉच गार्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिवाइस दिखाएगा, जिस भी वर्जन की आपकी डिवाइस है तो आपको वही अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरी जो डिवाइस आती है वो इसके अंडर आती है, यानी कि M27370 मेरी डिवाइस है। तो आपका जो भी डिवाइस का वर्जन होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको उसकी OVA फाइल दिखाएगा, जो हमें अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है लेटेस्ट डायमेंशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हमें लेटेस्ट डायमेंशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं लेटेस्ट डायमेंशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये मुझे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाएगा। दो ऑप्शंस ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, वॉच गार्ड डायमेंशन 2.2 VHD और OVF फाइल। ये दो फाइल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर VHD फाइल है और OVF फाइल है। तो VHD फाइल हाइपर वी पे सपोर्ट करेगी, और VMware के लिए हमको OVF, आपको OVF और OVA में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा OVF फाइल पे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी OVF फाइल यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगी। तो जैसे ही ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद हम VMware में इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी वॉच गार्ड की जो डायमेंशन सर्वर की OVA फाइल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अभी वॉच गार्ड डायमेंशन सर्वर को कैसे वर्किंग करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास है VMware वर्कस्टेशन प्रो, मैं इसको ओपन करूँगा। तो बेसिकली VMware वर्कस्टेशन प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बेसिकली आप वहाँ से जाके फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक को फॉलो करके। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल ओपन अ वर्चुअल मशीन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यू हैव टू गो टू द डाउनलोड्स, क्योंकि मैंने जो फाइल डाउनलोड की है वो डाउनलोड वाली फाइल सीधी डाउनलोड्स में जाती है, लेकिन आप चाहें तो इसको सेफ ड्राइव में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपके पास डी या ई ड्राइव है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग डाउनलोड्स को, हमारी आदत होती है कि हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो आप इसको कहीं डी ड्राइव में रखें और वहाँ से आप इसको इम्पोर्ट करें
मैं इसे ओपन पर यहाँ क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा नेम फॉर द न्यू वर्चुअल मशीन, आप इसको नेम क्या देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं इसको नेम दे देता हूँ डायमेंशन सर्वर। उसके बाद में आपको स्टोरेज पाथ देना है, तो जहाँ भी आप पाथ देना चाहते हैं सी में या डी में तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं सी में ही दे रहा हूँ। सिंपली मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा, इम्पोर्टिंग डायमेंशन सर्वर। अब आप देख सकते हैं कि डायमेंशन सर्वर जो है वो भी इम्पोर्ट हो रहा है, तो हम वेट करेंगे इसके इंपोर्ट होने का। तो हमारी जो डायमेंशन सर्वर की ओवीए फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। तो अभी इसमें सिंपल इसने ऑटोमेटिक जितनी मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और जो भी चीज़ें इसको चाहिए होते हैं वो इसने ऑटो डिटेक्ट कर ली है अपने हिसाब से। यानी मेमोरी 2GB होनी चाहिए, प्रोसेसर हार्ड डिस्क 4GB, ये मिनिमम है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है तो आप यहाँ से कहीं भी जाकर चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। मेमोरी पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ से आप मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अभी हम पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यानी हमारी जो वर्चुअल मशीन हमने इम्पोर्ट तो कर दी है, अभी हम इसको रनिंग कंडीशन में लाएंगे। तो मैंने पावर ऑन पर अभी क्लिक किया है तो हमारा डायमेंशन सर्वर अभी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन सर्वर जो है ऑन हो रहा है अभी भी, तो ये एक दो मिनट ले ही लेता है ऑन होने में। तो देखिए अभी हमारा डायमेंशन सर्वर जो है वो ऑन हो चुका है। तो अब ये लोकल होस्ट लॉगिन आपसे मांग रहा है, तो जो इसके डिफॉल्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं, तो जो लॉगिन लॉगिन यूजर नेम इसका डिफॉल्ट होता है वो होता है WG सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा लोकल होस्ट लॉगिन, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पर क्लिक करना है और WG सपोर्ट आपको टाइप करना है, देन यू हैव टू हिट एंटर। एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड पुट करना है, तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है रीड राइट, READWRITE। जब आप इसको राइट करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा लिखते वक्त, बस आपको एंटर मार देना है। तो अभी देखिए ये कह रहा है हमसे यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड, आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। जो करंट पासवर्ड है फिर से हम वही डालेंगे रीड राइट एंड देन अगेन हम हिट एंटर करेंगे। तो अभी न्यू पासवर्ड आप जो रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो मेरा न्यू पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। देखिए अभी इसने हमें आईपी एड्रेस दिया है, एक आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं, इसने मुझे आईपी एड्रेस दिया है 10.0.0.187। तो यानी कि ब्राउजर में जाके मुझे अब इसी आईपी को लॉगिन करना होगा डायमेंशन सर्वर को लॉगिन करने के लिए। देखिए ये नेटवर्क अडेप्टर है, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कैसे मैनेज करने, आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्चुअल मशीन सेटिंग ओपन होकर आ जाएंगी। तो आपको किसी वजह से अगर आपका डायमेंशन सर्वर आईपी नहीं उठाता है तो आपको नेटवर्क अडेप्टर पर जाकर ब्रिज पर ऑटोमेटिक इसको जो है आईपी को कॉन्फ़िगर कर देना है। ओके पे अभी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मेरे केस में इसने आईपी उठाई है 10.0.0.187, तो अभी मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा और सेम आईपी पुट करूँगा, देखते हैं क्या ये लॉगिन होता है या नहीं। तो 10.0.0.187 आईपी को हम हिट एंटर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉच गार्ड का एक लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पुट करना है एडमिन यूजर नेम में और पासवर्ड में। अब देखिए वहाँ पे हमने जो हमारा वर्चुअल मशीन की सेटिंग थी वहाँ हमने पासवर्ड चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो यहाँ का पासवर्ड है वो अभी भी रीड राइट ही है। तो रीड राइट डाल के हम लॉगिन करेंगे इसको। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने
डायमेंशन सेटअप विजर्ड आ जाएगा, यानी अब हमें इस डायमेंशन सर्वर हमने वर्चुअल मशीन में इंपोर्ट तो कर दिया, लेकिन अब हमें इसे अपने बेसिकली वॉचगार्ड फायरवॉल से कनेक्ट करना है ताकि ये वहाँ से जो है लॉक्स वगैरह उठाए, जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है ट्रैफिक को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, नेटवर्क एक्टिविटी थ्रेट्स और यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए वॉचगार्ड फायरवॉल से इसका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी देखिए नेक्स्ट पर एक बार आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, देखिए लोकल होस्ट स्टैटिक, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आईपी एड्रेस ही आपसे मांगना है कि आपका जो आईपी एड्रेस है स्टैटिक है या डीएससीपी है, जो भी आपका जैसे भी आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में वो डीएससीपी है, मैं डीएससी पे क्लिक करके, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डाटाबेस लोकेशन में कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी आपसे कह रहा है इज दिस इंस्टेंस ऑफ डायमेंशन पब्लिकली एक्सेसिबल टू योर फायरबॉक्स डिवाइसेस, तो यस हमारा डायमेंशन सर्वर में पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है सेट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर लेना है। ये जो अभी हमारा पोर्टल ओपन है यहाँ पर जो 187 आईपी इसने उठाई है उस पर आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना है यहाँ पे, तो कन्फर्म भी कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि जो पास फ्रेस होगा एटलीस्ट 8 करेक्टर्स उसमें होने चाहिए, नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये है ऑथेंटिकेशन की इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन डायमेंशन एंड योर फायरबॉक्स और वॉचगार्ड सर्वर, यानी कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो पासवर्ड आपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर में बनाया है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी सेटिंग में भी आप वही पासवर्ड बनाएं। ये पासवर्ड आपको काम आएगा अपने डायमेंशन सर्वर को, जब आप वॉचगार्ड से ये आईपी आपको वॉचगार्ड में ऐड करनी पड़ेगी तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने भी पासवर्ड सेम पुट किया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मैं। अभी देखिए आपसे पूछा क्या आप ये मोड इनेबल करना चाहते हैं, विजिबिलिटी सेटिंग में क्या है बेसिकली, अगर आप इसे नो पे क्लिक करेंगे तो व्हेन यू इनेबल एनोनिमाइज्ड मोड यूजर नेम आईपी एड्रेस होस्ट नेम एंड मोबाइल डिवाइसेस नेम आर मास्क इन रिपोर्ट्स एंड लॉग मैसेज एंड डिटेल रिपोर्ट आर नॉट अवेलेबल, इसमें बेसिकली लिमिटेड रिपोर्ट मिलेगी। अगर आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर ही रहने दे सकते हैं, तो मैं येस करूँगा। डू यू वॉन्ट टू एड अ लोकल यूजर अकाउंट विद दिस रोल, तो नहीं अभी हमें कोई यूजर ऐड नहीं करना, अगर आप चाहें तो यूजर भी ऐड कर सकते हैं, तो नो आई विल डू इट लेटर, तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोग्रेस पेज, आप देख सकते हैं कि जो हमने सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया है प्रोग्रेस पेज यहाँ पर नीचे आप पढ़ भी पा रहे होंगे, वॉचगार्ड डायमेंशन सेटअप इज इन प्रोग्रेस, डू नॉट पावर ऑफ डायमेंशन बिफोर द सेटअप विजार्ड कंप्लीट्स। तो अभी ये सेटअप प्रोग्रेस मोड में चल रहा है, तो हम वेट करेंगे। तो आप देखिए अब सेटअप मोड कंप्लीट हो चुका है, तो इसने हमें वापस से इसी आईपी पे ला दिया है। आप इसको रीलोड भी कर सकते हैं जो आपकी आईपी वीएमवेयर ने उठाई है वर्चुअल मशीन ने, तो यहाँ पे यूजर नेम में एडमिन ही रहेगा, पास फ्रेज जो आपने क्रिएट किया था वो आपको डालना है, देन आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि डायमेंशन वाला जो पेज है वो ओपन हो गया है, और लेकिन यहाँ आप देखेंगे डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस हमें नहीं दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड्स टू व्यू। तो अगर आपको यहाँ पर डिवाइस ऐड करनी है अपनी, तो उसके दो तरीके हैं ऐड करने के, तो एक तो आप यहाँ से अगर जाएंगे आपकी ऑनलाइन डिवाइस है यहाँ पे आप चाहें तो, अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको अपने वॉचगार्ड फायरवॉल का एक्सेस देना है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, अपना वॉचगार्ड फायरवॉल जो आपका है वो आपको लॉगिन कर लेना है उसका पोर्टल, जैसे मेरे केस में जो मेरी आईपी है मैं वॉचगार्ड फायरवॉल मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ अपना। तो वॉचगार्ड सिस्टम मैनेजर आपको लॉगिन कर लेना है, मैं ऑनलाइन मोड में कर रहा हूँ, वॉचगार्ड सिस्टम मैनेजर अगर आप यूज करते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड डालूंगा मैं अपने इसका और उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो देखिए अब मैंने अपना वॉचगार्ड सिस्टम मैनेजर ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद यहाँ क्या करना है मेरे को सिंपली जाना है सिस्टम में, जाना है
सबसे नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ सिस्टम आएगा, सिस्टम में आप जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये यह आपके केस में लॉक होगा, इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे ये वॉचगार्ड लॉग सर्वर यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो बेसिकली मैंने पहले से ही एक वॉचगार्ड डायमेंशन सर्वर बनाया हुआ था, उसकी आईपी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर कोई भी आईपी यहाँ नहीं दिखाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देनी है आईपी, जो आईपी आपके पास 187 आपको ऐड कर देनी है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 10.0.0.187, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की जो भी आपने बनाई थी वो आपको पुट कर देनी है। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने ओके पर यहाँ क्लिक करा और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अभी मैं वापस जाकर अपने इस वाले पेज को रीलोड करूँगा। तो आप देखिए जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया तो इसने मेरे वॉचगार्ड फायरवॉल को वहाँ से उठा लिया, सीरियल नंबर भी यहाँ पर आ गया। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अब अभी तो ये लॉग्स वगैरह क्रिएट करेगा स्टार्टिंग से, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इसके साथ जैसे चाहे मर्जी वैसे खेल सकते हैं, वेब ट्रैफिक डिवाइस सब कुछ, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। आप अपना पूरा रिपोर्ट्स, पूरे नेटवर्क को, सिक्योरिटी को, ट्रैफिक को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सिक्योरिटी को आप इससे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका था अपने वॉचगार्ड फायरवॉल के डायमेंशन सर्वर की आईपी ऐड करने का। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि आप अपने डायमेंशन सर्वर VMware जो आपका चल रहा है, जब भी आपको उसे बंद करना हो तो पहले आप उसे यहाँ से पॉज करें। इस तरीके से पॉज करने के बाद आप चाहें तो उसको यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी वर्चुअल मशीन क्रैश नहीं होगी। तो दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।